बेनिफिट्स है, नंबर वन तो एक इस्लामिक चैनल की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, एक बहुत बड़ा दावत का काम है, उलमा के इल्म को महफूज करने का काम चल रहा है, वो भी सैटेलाइट क्वालिटी के साथ, वो भी बिना कॉपीराइट्स। और हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या आपको पता है कि टीवी एक तरह का कैटलिस्ट होता है किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, एक ज़रिया होता है। मिसाल के तौर पर इंडिया में जो मुसलमान बैकवर्ड हैं, वजहों में से एक वजह हमारे पास मीडिया नहीं है, यानी वजहें दूसरी भी है, उन वजहों में से एक वजह ये भी है। अब जैसे आईप्लस टीवी पे हमने बिज़नेस डेवलपमेंट का प्रोग्राम लाए हैं कि किसी को बिज़नेस स्टार्टअप करना है, उसकी गाइडेंस का प्रोग्राम है, इस्लामिक तिजारत के इस्लामी उसूल पे प्रोग्राम्स हैं माशाल्लाह, उसके अलावा बिज़नेस करियर एंड करियर स्टार्टअप का प्रोग्राम है। अब हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं तरक्की द बिज़नेस एंड करियर शो, उसके अंदर क्या है, हम टीवी पे लोगों को कह रहे हैं, उसका प्रोमो बन गया इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है बहुत जल्दी लॉन्च होगा। तो हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई बिज़नेस की आइडिया है और अगर पैसे नहीं है, टीवी पे आओ, हलाल होगा तो हम लोग आपको टीवी पे प्रेजेंट करने का मौका देंगे अपनी बिज़नेस प्लान। और एक इस्लामिक बैंक है जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट हाउस है, वो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। मतलब जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कैपिटल नहीं है, तो हम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास कैपिटल है और जिनके पास ये है। उसी तरह एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि मुसलमानों की आवाज़, आपको पता है हम मीडिया को ट्रैक कर रहे हैं, देखो हमारा जितनी रीच थी हम कर रहे हैं कोशिश। तलाक का इशू आया, हमने तलाक पे डॉक्यूमेंट्री निकाली। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमने निकाले। जब मुसलमानों में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम आए तो हमने डी रेडिकलाइजेशन, जब इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत का टॉपिक दिख रहा था, हमने इस्लामोफोबिया का टॉपिक निकाला। हमने देखा कि आज इस्लाम के ख़िलाफ़ एक तरह की बिल्कुल टोटल जंग चल रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक तरह की जंग चल रही है। आपको पता है कि कुरान की कई आयतों पर लोग, कई सारे स्वामी वगैरह, कई सारे आर्य समाज जी वगैरह एतराज़ उठा रहे हैं, कुरान की आयतों को अनसाइंटिफिक कह रहे हैं। तो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं कि कुरान की 120 कुरान की आयतों पर जो साइंटिफिक एतराज़ उठाए गए उसके जवाब, मतलब ये सारे मवाद हम जमा करके अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्लाम के डिफेंस में खड़े हैं कि भाई जो इस्लाम से नफ़रत क्यों करने लगते हैं, हाँ क्यों करने लगते हैं लोग, तो हम इस्लाम के डिफेंस में कर रहे हैं काम अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन किसकी तालीम और तरबियत में बड़ी हो रही है, यूट्यूब की तरबियत में बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हमें कुछ अच्छा हलाल अल्टरनेटिव उनको देना है। उसके अलावा नफ़रतें दूर करने के लिए, जैसे शंकराचार्य ने आकर बहुत अच्छी बातें जब टीवी पे कही, तो हम लोग इस तरह से नफ़रतों को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे हालात, जिसमें मेन स्ट्रीम के लोग भी आ रहे हैं और वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेनिफिट्स। प्रोग्राम्स में 80 से ज़्यादा इस्लामिक स्पीकर्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम चल रहा है। अब मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये सब बातें बताकर एक सैड हकीकत बताना चाहता हूँ। जैसा आप जानते हैं, एक तरह का रिसेशन चल रहा है, लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है, और आमदनी पे असर पड़ता है तो हालांकि इस्लाम ने तो ये सिखाया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, फिस सर्राई व दर्राई, खुशहाली में भी और तंगी में भी, तुम तंगी में भी हो ना तो भी खर्च करो, कुछ तो खर्च करो, वो खर्चा आपको उस तंगी से बाहर निकालने में हो सकता है ज़रिया बनेगा। लेकिन जिस तरह से कई इदारों के कॉन्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ा है, आईप्लस टीवी का भी जो हमारा ज़िंदा रहने का टारगेट है पूरा नहीं हो पा रहा है। हमने क्या प्लान शुरू किया था, हमने एक कोशिश आज से एक साल पहले शुरू किए थे कि हमें 5000 ऐसे लोग चाहिए, सिर्फ 5000 लोग चाहिए, जो साल में एक बार 10000 रुपये का एक वेल विशर का शेयर ले लें। ये 10000 का हमने कैलकुलेशन किस तरह से किया कि एक प्रोग्राम जो आईप्लस टीवी का बनता है, सैटेलाइट क्वालिटी से रिकॉर्ड होता है, उसमें एडिटिंग होती है, एनिमेशन होता है, सैटेलाइट से नशर होता है, यूट्यूब पे जाता है, इंटरनेट पे जाता है, ये पूरा एंड टू एंड प्रोसेस का हमारा एवरेज कॉस्ट 10000 रुपये, 10000 रुपीज़। तो हमने एक सिस्टम क्या स्टार्ट किया कि हमें अगर 5000 लोग मिल जाए जो एक एक एपिसोड का खर्चा संभाल लें, एक एपिसोड का खर्चा 10000 है, 5000 एपिसोड का खर्चा संभाल लें तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 5000 लोग चैनल चला सकते हैं। तो हमने 5000 लोगों को ढूंढने का एक एम्बिशन प्लान एक साल पहले शुरू किया। इसमें ये भी सिस्टम रखा कि अगर पूरा शेयर नहीं ले सकते हो तो आधी एपिसोड का खर्च संभाल लो, 10000 की जगह 5000 रुपये, या आधा भी नहीं हो तो पाव ले लो। काफ़ी कोशिश की, अभी तक हम 920 पे पहुँचे,
5000 में से एक साल बाद हम 920 पे पहुंचे और 920 में से एक्चुअल जो पेमेंट किया है तकरीबन 670 या 680 लोगों ने. तो इसकी वजह से हम जो चैनल जिस तरह से चलाने का प्लान बना करके आगे बढ़ रहे थे, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए. और मैं आज आप सबके सामने एक बात रख रहा हूँ, और अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख सलाहुद्दीन मकबूल को, शेख हाफिज़ शकील मेरठी, शेख रज़ाउल्लाह. शेख सलाहुद्दीन मकबूल ने एक बहुत एम्बिशियस कोशिश की. उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया की एक शुरा कमेटी बनाई कि पूरे इंडिया के लोगों को मिलकर चलाना चाहिए चैनल, ये चंद लोगों का काम नहीं है, शेख का कहना था. उसी तरह एक उलमा कमेटी बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख के आने के बाद से यानी सारे इल्मी फैसले वगैरह और मेजर डिसीजन सारे शेख ही ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम लोग जब इस तंगी में पहुँचे, iPlusTV सैटेलाइट का 3 महीने का रेंट नहीं दे पाया है. मैं आप सब भाइयों को फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ आपके सामने रहे, हम कहाँ हैं, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है और हमारी हिम्मत क्या है उसमें, हालात के बाद हमारी हिम्मत क्या है. 3 महीने का सैटेलाइट रेंट नहीं दे पाए, लेकिन क्योंकि हम 4.5 साल से दे रहे हैं ना, तो ताल्लुकात हैं हमारे, उसकी बुनियाद पर हम अभी तक ऑफ एयर नहीं हुए. नहीं तो शायद कोई और ऑफ एयर हो जाता, लेकिन हम लोग अभी तक ऑफ एयर नहीं हुए हैं. लेकिन आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पर हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं. और अभी हमें फिर से 2 तारीख को पेमेंट करना है, उसका इंतज़ाम नहीं है. और इस सिचुएशन में चंद दिन पहले हम लोगों ने मशवरा किया और फैसला लिया कि अगर अल्लाह की यही मर्ज़ी है तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी भी नफ्स पे उतनी ही बोझ है जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता है, अपनी ताकत से ज़्यादा हम भी कहाँ से करें. तो शेख ने कहा अगर अल्लाह का ये फैसला है तो वही होगा. हमने एक फैसला लिया, कहा कि iPlusTV का सैटेलाइट का खर्चा हम बैर नहीं कर पा रहे, हम इसे सैटेलाइट पे बंद करके इंटरनेट पे जारी रखेंगे, प्रोडक्शन करते रहेंगे, इंटरनेट टीवी की तरह ऑन रहेगा, ऐप में आता रहेगा, यूट्यूब फेसबुक सब जगह आता रहेगा, और हम बाज हमारे प्रोग्राम जी सलाम ETV उर्दू पे स्लॉट खरीद करके ला सकते हैं, बाज हमारे प्रोग्राम्स, लेकिन फिर उनके रहमो करम पे, लेकिन फिर भी ला सकते हैं. तो ऐसा हमने प्लान बनाया कि फुल टाइम 24 आवर्स चैनल से स्केल डाउन कर रहे हैं, जब कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, तो उसको नीचे करें, लेकिन इस इरादे से कि 5000 वेल विशर जमा हो जाएंगे तो हम फिर से आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें वो तरीका समझ में आ गया है कैसे सैटेलाइट टीवी ला सकते हैं इंडिया में इन हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह. तो 5000 हो जाए वेल विशर तो हम फिर से आ जाएंगे, और जब तक नहीं होता तब तक हम इंटरनेट पर कम से कम जारी रखें इस काम को. कम से कम हम जो जो चैनल्स पर पार्ट टाइम थोड़ा थोड़ा ला सकते हैं उतना तो लाएंगे हम एज अ प्रोडक्शन हाउस. जैसे मिसाल देता हूँ, आज तक DD पे एक प्रोग्राम था, फिर खुद एक चैनल बन गया, तो हम चैनल से एक प्रोग्राम की शक्ल लेंगे, बाज़ प्रोग्राम्स की शक्ल लेंगे, फिर से हो सकता है चैनल तक आ जाए. तो हमने एक डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद अंबानी ने आके अनाउंस कर दिया कि जियो फाइबर स्टार्ट हो गया है. तो हम लोगों ने देखे कि अरे हम तो इतने दिनों से कोशिश में थे कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, और यहाँ हमने ये स्टेप लिया है, बस डिसीजन लिया है और ये गोद में आ गया है जियो फाइबर, इतना बड़ा मौका. दूसरी चीज़ ये हुई कि लखनऊ बेस्ड एक इंडो OIC इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है. उन्होंने जब सुने खबर इन्फॉर्मेशन उसको जरियों से कि iPlusTV अपना सैटेलाइट टेलीकास्ट एक मुसलमानों का दावा चैनल है वही अभी टेलीकास्ट बंद करने के स्टेज पे आया है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके फिनेंशियल जिम्मेदारी संभाल सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन हमें 6 महीने का वक्त चाहिए. अब 6 महीने तक स्ट्रेच करने की बात थी, कैसे सर्वाइव होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे. तो हम लोग फिर से कोशिश करना शुरू कर दिए हैं. अभी बचे हैं आज की तारीख से अगर देखेंगे तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जो लास्ट हमारी डेट है उसमें अभी बचे हैं, 12-14 दिन बचे हैं, और हम लोग हिम्मत नहीं हारे और अल्लाह के फैसले से राज़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का काम है. इंडिया के लोग हैं, 135 करोड़ की आबादी, अल्लाह चाहता है कि उनके लिए चैनल जारी रहे तो रहेगा, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं. आप सबके सामने मैं सारी तफसीलात क्यों बता रहा हूँ, छोटे से मुख्तसर ऐलान में सारी डिटेल्स नहीं बता सकते, आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि ये दिल्ली शहर है और यहाँ पे लोग हैं तो ताल्लुकात मिले जुए पूरे कंट्री में असर होता है अल्हम्दुलिल्लाह. आप सबके सामने बात रख रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसमें दावत का ये शौक़ हो, ये लगन हो, ये विजन हो, अगर वो हमारे साथ किसी भी शक्ल में ज्वाइन भी हो सकता है, मिलके काम कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं, हम चाहते हैं कि काम जारी रहे. यहाँ तक हमारी इतनी ताकत थी, इसके आगे जब हमारी ये ताकत नहीं हो रही है तो हम कह रहे हैं कि भाई कोई आके हमें जुड़ सकता है, कोई अगर आके हमारे ज्वाइन कर सकता है तो ये कोई पर्सनल प्रॉफिट की तो चीज़ नहीं है, ये तो दीन के लिए कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट तो आखिरत का प्रॉफिट है, तो आके कोई ज्वाइन हो सकता है. तो आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ, अगर कोई किसी ऐसे शख्स तक बात पहुँचा सके, भाई आपको पता है ऐसे ऐसे लोग हैं
جو اکیلا ایسا چینل چلا سکتے ہیں انڈیا میں, مسلمانوں میں بھی. ہاں لیکن بس کسی کے دل میں وہ بات آ جائے, کوئی آگے بڑھے, اللہ کوئی ذریعہ نکال دے. تو آپ سب کے کان میں, آپ سب کے ذہن میں یہ بات ہم لوگ ڈال رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز وہاں سے آ جائے. باقی آج ہم لوگ ایک کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو 920 تک پہنچے ہیں ویل وشر, آپ سب اگر آج جن میں آپ میں سے جو لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور اگر 1, 2, 5, 10 یا جو بھی آپ ایپیسوڈ کا خرچ سنبھال سکتے ہو, ہم نے ایپیسوڈ سے جوڑ کے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی احساس ہو کہ میرے اور میری فیملی کی طرف سے, میرے کمپنی کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے یہ اتنے ایپیسوڈ بنا کے چھوڑا ہوں میں نے دنیا میں, اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام کل مجھے ثواب کما کے دیں گے انشاءاللہ. میں قبر میں پہنچوں گا, مجھے یہ امید ہے کہ یہ ثواب اس سے ملتا رہے گا. تو ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایپیسوڈ کا خرچہ سنبھال سکتے ہیں, اگر فل نہیں کر سکتے ہیں تو آدھا پاؤ, جو آپ کے لیے ممکن ہو. ہاں پھر سرائی و درائی ہر حال میں خرچ کرنا چاہیے کچھ اللہ کے راستے میں. تو یہ کام کا مقصد صرف دعوت ہے. تو ہمارے جو بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہاتھ میں ایک فارم ہے, وہ فارم میں آج صرف نیت کر دو. ہاں آج نیت کر دو کہ ہاں چلو میں اتنی ایپیسوڈ کا خرچ سنبھالوں گا تاکہ ہم اپنے 920 سے آگے بڑھائیں گے اس فگر کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آج صرف وعدہ کرنا ہے, دینا ہے, جب آپ کے لیے ممکن ہو تب آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ, اور جلد سے جلد ہو تو ہمیں آگے کی پیمنٹ میں آسانی ہوگی. میں نے آپ سب کے سامنے یہ سب فیکٹس رکھے ہیں. آخر میں میرے بھائیوں, یہ جو دعوت کا کام ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم پہنچائیں. میں ایک لاسٹ بات کہہ کر ختم کروں گا, اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ جب اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے نا, تو لوگ ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بولتے رہتے ہیں, اور وہ جو بھی بولے وہ بات ہم پہ فٹ ہو جاتی, ہم پہ آ کے چپک جاتی, کیونکہ ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں اسلام کے بارے میں. ہماری میڈیا تو اور مضبوط ہونی چاہیے, اور بڑی ہونی چاہیے. ایک بیچارہ ایک چینل ہے, اس کو اور مضبوط طریقے سے ہونا چاہیے. اب یہی لیول پہ ہم نہیں چلا پا رہے میرے بھائیوں, کیسے ہم یہ میڈیا کی جو تقاضے ہیں, میڈیا کا دور ہے, کب تک آنکھیں بند کر کے ہم بولیں گے بھائی یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہمیں اللہ نے جو موقع دیا اتنا ہم استعمال کریں, اتنا ہم کریں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اللہ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ راستے نکالنے والا ہے, وہی ہے الفتاح, راستے کھولنے والا. اللہ قادر ہے, جہاں سے راستہ نہیں دکھتا ہے تو بھی اللہ نکالنے پہ قادر ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمت کی بات ہے کہ جو 4.5 سال نکلے ہیں نا نان اسٹاپ, اس میں ایسے وقت پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. جو ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ 12 دن باقی ہے, پیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں, ایسے پہلے بھی وقت آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے راستے نکالا ہے پہلے بھی, لیکن کوئی ٹپک کے تو کوئی راستہ نہیں, کچھ تو کوئی کچھ کرے گا تو ہوگا نا. مطلب آسمان سے کوئی راستہ ڈائریکٹلی آئے گا یا کوئی ذریعہ بنے گا, کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے. تو آپ سب میں سے کوئی ہو سکتا ہے سن رہا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ شخص کے پاس کوئی ایسی آئیڈیا ہے جس سے ہم اسے آگے اور بڑھا سکتے ہیں. تو آپ کے سب کے سامنے میں نے بات رکھی, اللہ تعالیٰ راستے نکالنے والا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ راستہ نکال دے اس کام کے لیے. جزاک اللہ خیر, آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.